पर दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणवीर इस समय अपसेट हो चुका है कि उसकी शादी आखिर फिक्स क्यों होगी मीका के साथ में। हालांकि दोस्तों रणवीर इस चीज़ को डिनाई करने की लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रणवीर की मॉम पल्लवी की भी एंट्री हो चुकी है और पल्लवी इस चीज़ से खुश होती हुई नजर आने वाली है कि अब उसके बेटे की ज़िंदगी में एक अलग लड़की आ रही है मीका के रूप में दोस्तों। हालांकि दोस्तों रणवीर को इस चीज़ से ऐतराज़ है, क्योंकि रणवीर आज भी जो अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि वो प्राची ही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आखिरकार रणवीर बोले तो बोले कैसे, विश्वास कैसे दिलाए। हालांकि दोस्तों इस समय अक्षय को भी पता है कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ है, क्योंकि रणवीर आज भी प्राची को दिल से दिल ही पसंद करता है। और आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय कई ट्विस्ट लाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। जहां पर बात की जाए एक बार फिर से रिया की भी एंट्री होने वाली है दोस्तों। रिया यहां पर तमाशा करती हुई नज़र आने वाली है। रिया बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मेरे होते हुए किसी भी तरीका से ये शादी होनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि समय काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भी देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। सभी लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है और सब कुछ कैसे हो रहा है। बात की जाए इस समय की बड़ी अपडेट की तो जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि समय कई अपडेट भी देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली हैं दोस्तों। जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से काफ़ी बड़ा तूफान देखने को मिलेगा दोस्तों, जब सभी लोग कन्फ्यूजन में नज़र आएंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।